हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनोन पबजी गर्ल गेमर। तो गाइस यार, आज मैं आपको बहुत ही अमेजिंग ट्रिक बताने वाली हूँ कि किस तरीके से करके आप अपने पबजी मोबाइल, जो कि आईडी हमारी मोस्टली लिंक होती है फेसबुक से, उसे किस तरीके से डीलिंक कर सकते हो या रिमूव कर सकते हो गाइस। और पूरे 3 तरीके बताऊंगी गाइस जिससे आप आराम से इसे रिमूव कर सकते हो गाइस। तो गाइस आप सभी को एडवांस में हैप्पी दशहरा गाइस। और गाइज एक दिन वीडियो लेट आने के लिए सॉरी, क्योंकि गाइज जो मैंने वीडियो बनाई थी 150 प्लस अचीवमेंट वाली, गाइज वो गलती से एडिटिंग करते वक्त यार डिलीट हो गई। तो गाइज अगर आप इस चैनल पे नए हो तो गाइज जल्दी जाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर दो गाइज, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी जरूर कर दो गाइज। तो गाइज वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज आप देख सकते हो मेरी आईडी इस वक्त फेसबुक प्लस में प्ले गेम से कनेक्टेड है गाइज, और फेसबुक से मैं इसलिए रिमूव करना चाहती हूँ क्योंकि गाइज जो हमें पबजी है वो हमें 250 प्लस से ऊपर फ्रेंड्स लिस्ट नहीं बनाने देता गाइज। और अगर आपकी फ्रेंड लिस्ट फेसबुक में ऑलरेडी अगर लंबी हो तो गाइज ऑलरेडी सारे बंदे बाहर के आ जाते हैं और आप किसी को ऐड नहीं कर सकते गाइज। तो मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से आपको रिमूव करना है गाइज। ध्यान रखिएगा, इसके लिए आपको दूसरी आईडी से लिंक होना जरूरी है गाइज, जिस तरह मैंने प्ले गेम कर रखा है। तो गाइज आप देख सकते हो मेरे 250 प्लस हैं इस वक्त फ्रेंड्स। तो मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। तो मैंने इसको बंद किया और गाइज देख सकते हो मैं फेसबुक ओपन कर रही हूँ, बट गाइज मेरा फेसबुक जो है इस वक्त वर्क नहीं कर रहा, तो मैं इसको क्रोम ब्राउज़र में मैंने खोला है। तो गाइज यहाँ देख सकते हो अपनी आईडी ऑन करते ही हम सेटिंग पे आ जाते हैं गाइज, और सेटिंग में आप देख सकते हो इस तरह खुलेगा आपके सामने। तो गाइज हम सबसे ऊपर जाते हैं और गाइज यहाँ पे जो सेकंड नंबर पे दिख रहा है आपको सिक्योरिटी, तो गाइज सिक्योरिटी में एप्स एंड वेबसाइट आपको दिख रहा है, तो गाइज यार हम इस पर कर देंगे क्लिक। तो गाइज जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह खुल के आएगा, देख सकते हो आप। तो गाइज यार यहाँ पे देखो आपके सामने नोटिफिकेशन के बारे में, अगर आपको इस ऐप से रिलेटेड नोटिफिकेशन चाहिए गाइज तो यस कर दो, और नहीं चाहिए तो गाइज नो कर दो इसे। तो गाइज यार ये बहुत ही हेल्पफुल है, अगर आपको वाकई में चाहिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा, इसे यस कर दीजिए गाइज। तो आप देख सकते हो यहाँ सेकेंड नंबर पर ऐप एंड वेबसाइट लिखा हुआ है गाइज यार, तो हम उस पर क्लिक नहीं करेंगे गाइज, क्योंकि गाइज उस पर क्लिक करने के बाद परमानेंट रिमूवल का आ जाता है गाइज, और ये साथ में पबजी का भी है। तो गाइज इसीलिए मैंने इस पर क्लिक नहीं किया। आप देख सकते हो ये देखो इसमें रिमूव, इसको आपको पूरा रीड करोगे तो आपको पता चल जाएगा गाइज। तो गाइज आपको क्या करना है गाइज, आपको बैक आना है, आप देख सकते हो ऊपर लॉग इन विद फेसबुक। तो गाइज यार लॉग इन विद फेसबुक पे क्लिक करेंगे तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो सभी एक्टिविटीज़ आ जाएंगे जो भी हमने फेसबुक से कनेक्टेड कर रखी है गाइज। तो देखो यहाँ पे मेरा एक्टिव 6 दिखा रहा है, यानी मैंने 6 है इन चीज़ों से अपनी आईडी को कनेक्ट कर रखा है गाइज। तो यहाँ देखो सबसे ऊपर पबजी मोबाइल है गाइज, यहाँ व्यू का ऑप्शन देख रहे हो आप, आपको उस पर क्लिक करना, नहीं तो साइड में आपको सर्कल दिख रहा है लेफ्ट साइड में गाइज, उस पर भी क्लिक कर सकते हो आप। तो गाइज इस पर क्लिक हम कर देते हैं, और गाइज क्लिक करने के बाद जो है गाइज हमारे सामने कुछ इस तरीके का खुल के आएगा। तो गाइज यहाँ आप देख सकते हो फ्रेंड लिस्ट का ऑप्शन आपको दिख रहा है गाइज, हमें इस पर क्लिक करना है। तो गाइज ये इसलिए अगर आप चाहते हो आपके पबजी में आपके फेसबुक फ्रेंड्स अगर आएँ तो गाइज इसे ऑन कीजिए, अगर आप नहीं चाहते तो गाइज इसे ऑफ कीजिए। तो गाइज ये पहला तरीका है जिससे आप उन्हें रिमूव कर सकते हो, इससे आप अपनी आईडी लिंक नहीं हटा सकते, सिर्फ फेसबुक फ्रेंड हटा सकते हो गाइज। तो गाइज अब दूसरा तरीका जिससे आप कर सकते हो, तो गाइज जिसके लिए आपको इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना होगा गाइज। तो अगर आप इसे स्क्रॉल करोगे आप देख सकते हो यहाँ ऑप्शन आ रहा है रिमूव ऐप का। तो गाइज हम जो है इस पर क्लिक कर देंगे यार, और इसे क्लिक करने के बाद देखिए हमारे सामने ऑप्शन आ रहा है रिमूव का। तो गाइज यार हम इस पर कर देंगे क्लिक, और फिर उसके बाद जाके चेक करते हैं कि वाकई में ये हटा या नहीं हटा। तो यार मैंने तो कर दिया, और आप भी कर देना गाइज, ध्यान से फॉलो कीजिएगा, जैसे कर रही हूँ वैसे ही करना है। तो गाइज देख सकते हो इस सब मेरा एक्टिव जो है पहले 6 था, 5 हो चुका है। तो गाइज अब देखो हमने पबजी ऑन किया यहाँ पे, तो गाइज आप देख सकते हो, बट यहाँ पे नहीं हुआ क्योंकि गाइज मैंने क्रोम से किया था, अगर मैंने फेसबुक से किया होता तो हो जाता गाइज। तो गाइज अब मैं आपको बताती हूँ अब आपको क्या करना अगर नहीं होता तो। गाइज इसके लिए आपकी दूसरी आईडी से आपका लिंक होना जरूरी है गाइज, मैंने पहले ही बताया आपको, यहाँ पे मैंने प्ले गेम्स से कनेक्ट कर रखा है गाइज। तो मैं यहाँ लॉग आउट कर जाती हूँ, आप देख सकते हो नीचे लॉग आउट का ऑप्शन है गाइज, यहाँ पे कर दो लॉग आउट। तो गाइज लॉग आउट हमने कर दिया है, अब हम वापस से हम लॉग इन करेंगे, बट गाइज यहाँ पे प्ले गेम से करना है इस बार। तो देख सकते हो मैंने कर दिया यहाँ पे प्ले गेम से, और फेसबुक से मत कीजिए क्योंकि आपको उसे रिमूव करना है गाइज।
तो गाइज अब हम लॉगिन हो चुके हैं। आप देख सकते हो यार मेरे 250+ थे, जहाँ अब यहाँ सिर्फ 50 फ्रेंड्स रह गए हैं। और देखो इस वक्त प्ले गेम नंबर 1 पे आ चुके हैं, फेसबुक 2 पे हो चुका है गाइज। और अब मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, यहाँ पे आपको सिर्फ गेम फ्रेंड्स दिखेंगे, फेसबुक फ्रेंड्स नहीं दिखेंगे। आप देख सकते हो सिर्फ गेम फ्रेंड का ऑप्शन है, नो फेसबुक फ्रेंड। तो गाइज इस तरह मैंने अपने रिमूव कर दिए हैं फेसबुक फ्रेंड्स, आप भी कर लीजिएगा अगर आपको दिक्कत हो रही है तो। आई होप गाइज यू लाइक द वीडियो।